अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है कायलिस थ्योरम। तो कायलिस थ्योरम जो है ग्रुप थ्योरी का एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है कॉन्सेप्ट के लिहाज से। तो हम लोगों को पहले इसकी स्टेटमेंट समझनी होगी, उसके बाद हम इसके प्रूफ की तरफ जाएंगे। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, एवरी ग्रुप कैन बी एम्बेडेड इन अ ग्रुप ऑफ इट्स बाइजेक्टिव मैपिंग। हर ग्रुप जो है वो एम्बेड करेगा ऐसे ग्रुप में जो उसकी बाइजेक्टिव मैपिंग हो, ठीक है। ऐसा ग्रुप जो उस ग्रुप की बाइजेक्टिव मैपिंग होगी वो उसमें एम्बेड करेगा। तो मैंने जो लास्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑल पॉसिबल बाइजेक्टिव मैपिंग का जो ग्रुप होते हैं वो हमेशा कौन से होते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप होते हैं, ठीक है। और अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर 3 पे डिफाइन हो रहा है तो उसकी ऑर्डर में ऐसा सेट आएगा जिसका ऑर्डर 3 होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि C3 एक ग्रुप है और ये एम्बेड हो रहा है S3 में, यानी दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। C3 और S3 का ऑर्डर सेम है, बाइजेक्टिव मीन्स ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो C3 और S3 का ऑर्डर सेम है, तो C3 किस में एम्बेड हो रहा है, S3 ग्रुप में। जिसका इसका ऑर्डर जिस ग्रुप जैसा है, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 जैसा है, तो इसलिए इसमें एम्बेड हो रहा है। इसी तरह तो हम लोगों ने S3 को कैसे लिखा था, एस ऑर्डर ऑफ C3, ठीक है, यानी कि C3 जो है वो S3 पे एम्बेड हो रहा है। इसी तरह मैंने V4 का आपको बताया, V4 एम्बेड हो रहा था हमारे पास S4 में, इसको हमने लिखा था एस ऑर्डर ऑफ V4, यानी कि V4 का ऑर्डर B4 है और S4 का ऑर्डर B4 है, तो ये अपने बाइजेक्टिव मैपिंग वाले ग्रुप में जाएगा, एम्बेड होगा। मतलब कि बाइजेक्टिव मींस कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो अपने और हर ग्रुप का जो बाइजेक्टिव मैपिंग होगी वो उसमें बाइजेक्टिव मैपिंग वाला ग्रुप होगा वो उसमें एम्बेड होगा, ठीक है। C3 की बाइजेक्टिव मैपिंग वाला ग्रुप है S3, V4 की बाइजेक्टिव मैपिंग वाला ग्रुप है S4, तो ये इसमें अब एम्बेड हो रहे हैं। तो अब हम लोग इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम एक रिमार्क देख लेते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो हमें प्रूफ करना है कि S ऑफ G जो है ये एक बाइजेक्टिव मैपिंग फॉर्म करता है, बाइजेक्टिव ग्रुप है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये प्रूफ करना है। उसके बाद हम लोगों ने प्रूफ करना है हम लोग सब ग्रुप सपोज करेंगे और हम लोग ये प्रूफ कर देंगे कि ये जो हमने सब ग्रुप सपोज किया है ये S ऑफ G का सब ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जी को हम प्रूव करेंगे कि ये जो हम लोगों ने सब ग्रुप लिया है ये जी जो है इस सब ग्रुप की आइसोमॉर्फिक है, ठीक है। जी जो है वो आइसोमॉर्फिक है, ये प्रूव करेंगे जी और एच क्या है, आइसोमॉर्फिक है आपस में। तो हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मैपिंग डिफाइन करते हैं, हमने बाइजेक्टिव प्रूफ करना है तो सबसे पहले एक मैपिंग डिफाइन करते हैं। डिफाइन अ मैपिंग phi ऑफ g, एक मैपिंग हमारे पास क्या है, phi ऑफ g, ठीक है, phi ऑफ g, और हमने एक ग्रुप ले लिया g और वो एम्बेड हो रहा है g में, ठीक है। दो ग्रुप से हमारे पास एक ग्रुप आ गया g और g एम्बेड हो रहा है g में। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या लिया कि ये जो मैपिंग हमने डिफाइन की है ना phi ऑफ g, तो ये हमारे पास कैसे डिफाइन होगी, phi ऑफ gx इक्वल्स टू gx, हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई है, ठीक है। जो हमने मैपिंग डिफाइन की है, जब ये अप्लाई होगी मैपिंग, तो अप्लाई होने के बाद ये ऐसी इस फॉर्म में आ जाएगी, phi ऑफ gx इक्वल्स टू gx, अगर ये किसी एलिमेंट पे अप्लाई होगी तो ये इक्वेशन 1 आ गई, फॉर ऑल x एंड g बिलोंग्स टू g, x और g दोनों जो हैं वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, g से, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने नंबर 1 प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव डैट phi g, जो हमने मैपिंग डिफाइन की है ये क्या है, बाइजेक्टिव मैपिंग है। अगर ग्रुप को बाइजेक्टिव प्रूफ करना है तो हमें उसकी मैपिंग जो है वो बाइजेक्टिव प्रूफ करनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, टू प्रूव डैट जी इज बाइजेक्टिव मैपिंग, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैपिंग को वेल डिफाइंड प्रूफ करेंगे, ठीक है। वेल डिफाइंड प्रूफ होगा तो उसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे 1-1 और ओन टू। तो वेल डिफाइंड के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इमेजेस जो है वो इक्वल ले लेते हैं और प्री इमेजेस को इक्वल प्रूफ कर देते हैं। तो हम लोगों ने इमेजेस ली, लेट किए, दो इमेजेस ले ली, एक एक्स और एक वाई, एक्स इन दोनों को इक्वल पुट कर दिया। अब हम लोगों ने क्या किया कि एक जी हम लोगों ने एलिमेंट लिया, बिलोंग करता है वो कैपिटल जी से, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दिया इसको, तो जी एक्स इक्वल्स टू जी एक्स, तो अगर सॉरी जी एक्स इक्वल्स टू जी वाई, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम इक्वेशन 1 देखें तो मैपिंग हमें क्या बताती है कि phi ऑफ जी एक्स इक्वल टू जी एक्स, तो हम लोग जी एक्स को इक्वल लिख सकते हैं phi ऑफ जी एक्स, तो हम लोगों ने इसको phi ऑफ जी एक्स के इक्वल लिख दिया और इसको phi ऑफ जी वाई के इक्वल, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया, हमने इमेजेस इक्वल ली थी, हमारे पास प्री इमेजेस इक्वल आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये मैपिंग क्या है, हमारे पास वेल डिफाइंड है। अब हमने क्या प्रूफ करना है,
कि ये जो मैपिंग है ये क्या है, जब वेल डिफाइन हो गई तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि 1-1 प्रूव करना है। बाइजेक्टिव क्या होता है, 1-1 प्लस ऑन टू, तो 1-1 क्या होता है हमारे पास, फाइव, अगर हमने प्रूव करना है कि 5G इज 1-1, तो 1-1 क्या होता है, 1-1 होता है वेल डिफाइन का उल्ट। यानी कि हम लोग इसमें क्या, वेल डिफाइन में हमने क्या किया था, इमेजेस को हम लोगों ने इक्वल लिया था और प्री इमेजेस को हम लोगों ने इक्वल प्रूफ कर दिया था। इसी तरह हम यहाँ पे प्री इमेजेस को इक्वल लेंगे और इमेजेस को इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो प्री इमेजेस हमने क्या ली, 5 of GX इक्वल्स टू 5 of GY। तो फ्रॉम 1-1 इक्वेशन 1 हमें क्या बता रही है कि 5 of GX इक्वल्स टू GX, तो हम लोगों ने यहाँ GX इक्वल्स टू GY लिख दिया। यहाँ पे लेफ्ट कैंसिलेशन ला के जरिए हम लोगों ने इस G को और इस G को कैंसिल कर दिया, हमारे पास क्या बच गया, X इक्वल्स टू Y, ये 1-1 हमारे पास प्रूव हो गया, 1-1 भी प्रूव हो गया। अब हमने नेक्स्ट क्या प्रूव करना है कि 5G इज ऑन टू, हमने प्रूव करना है कि 5G क्या है, ऑन टू। तो ऑन टू के लिए हम लोगों ने क्या सपोज किया होता है, हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि हर इमेज के पीछे कोई ना कोई प्री इमेज मौजूद होना चाहिए। तो सिंस फॉर ईच GX हमारे पास क्या है, यहाँ पे इमेजेस क्या है हमारे पास GX, तो सिंस फॉर ईच GX बिलोंग्स टू G, देयर एग्जिस्ट X बिलोंग्स टू G, X को जो है वो G से बिलोंग करा, सच डैट 5 of GX इक्वल्स टू GX। यानी कि जो हम लोगों ने मैपिंग डिफाइन की है, इसमें हमारे पास हर एलिमेंट के पीछे कोई ना कोई प्री इमेज मौजूद है, ठीक है, हर इमेज के पीछे कोई ना कोई प्री इमेज मौजूद है। अगर हम देखें तो हमारे पास हर G के पीछे कोई ना कोई G मौजूद है, तो इसका मतलब है कि ये जो मैपिंग है या ये जो हम लोगों ने यहाँ पे मैपिंग की, ये हमारे पास क्या है, ऑन टू। 5 of G हमारे पास क्या है, ऑन टू, हर G के पीछे कोई ना कोई G मौजूद है, इसका मतलब हो गया हैंस 5G इज बाइजेक्टिव। ऑन टू भी प्रूव हो गया, 1-1 भी प्रूव हो गया, तो 5G हमारे पास क्या है, बाइजेक्टिव। अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्या प्रूव करना है, ये हमारे फर्स्ट स्टेप प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट हमने प्रूव करना है, एक सपोज कर लेना है सबसे सब ग्रुप, और उसको हम लोगों ने प्रूव करना है कि वो S of G का सब ग्रुप है, ठीक है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि S of G इक्वल्स टू, S of G हमारे पास किसके इक्वल होगा, 5G, इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, 5G वेयर G बिलोंग्स टू G। तो अब हम लोग एक सब ग्रुप जो है वो लेट कर लेते हैं, ठीक है, लेट करते हैं कि हमारे पास कैपिटल 5G एक सब ग्रुप है, ठीक है। इसके एलिमेंट्स किस तरह के हैं, 5G हमारे पास इसके एलिमेंट्स हैं, मैपिंग है इसकी सारी, और ये हम लोगों ने G बाइजेक्टिव है, ये तो हमने प्रूव कर लिया है, G बिलोंग्स टू G, ये सब ग्रुप है, सॉरी हाँ सब ग्रुप है हमारे पास S of G का, ये हम लोगों ने एक सब ग्रुप ले लिया है, ठीक है। अब हमने प्रूव करना है कि ये जो है इसका सब ग्रुप है S of G का। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग सब ग्रुप का सब ग्रुप टेस्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। सब ग्रुप टेस्ट हमने क्या पढ़े थे कि अगर दो एलिमेंट को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो बिलोंग करने चाहिए, दो ग्रुप के दो एलिमेंट्स को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो वो बिलोंग करने चाहिए उसी ग्रुप से, और फिर उनका इन्वर्स भी बिलोंग करना चाहिए, ए इन्वर्स बी इन्वर्स बिलोंग्स टू 5 of G। ये हमारे पास सब पहला वो था टेस्ट, और दूसरा टेस्ट हमारे पास क्या था कि एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के अगर हम इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो बिलोंग करना चाहिए उसी ग्रुप से, ठीक है, उसी सब ग्रुप से। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये नेक्स्ट सेकेंड वाला अप्लाई करेंगे टेस्ट, कैसे अप्लाई करेंगे, हम लोगों ने ले लिया XY इन्वर्स बिलोंग्स टू कैपिटल 5 of G, ठीक है। ये हम लोगों ने ये वाला टेस्ट अब हम लोगों ने प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे, हम लेट कर लेते हैं 5 of G में से कोई एलिमेंट्स ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके एलिमेंट्स किस फॉर्म के होंगे, 5 of G कैपिटल 5 of G के एलिमेंट्स इस फॉर्म के होंगे, ठीक है, 5 of G1 5 of G2। ये दो एलिमेंट्स जो हैं हमने ले लिए हैं कैपिटल 5 of G से, क्योंकि हम लोगों ने कैपिटल 5 of G के सब ग्रुप प्रूव करना है, तो हम इसके एलिमेंट लेंगे और इन दोनों का जब हम लोग इस एक को इसके इन्वर्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो इसी 5 of G से, कैपिटल 5 of G से बिलोंग करेगा, तो वो हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि ये S of G का सब ग्रुप है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक्स की जगह हम लोग ये वाला ऑपरेशन, ये वाला टेस्ट अप्लाई करने वाले हैं सब ग्रुप टेस्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स की जगह हम लोगों ने फर्स्ट एलिमेंट पुट कर दिया 5G1, और वाई की जगह हम लोगों ने सेकंड एलिमेंट लिख दिया 5G2, और यहाँ पे ये इन्वर्स। तो अब हम आगे इसको सॉल्व करें, तो सॉल्व करने यानी कि अगर मैपिंग अगर हम लोगों ने अप्लाई करनी है तो मैपिंग किसी ना किसी एलिमेंट पे अप्लाई होती है, ठीक है। यहाँ पे तो हमारे पास एलिमेंट नहीं है, तो मैपिंग्स है ना, 5G1 भी मैपिंग है 5G2 भी मैपिंग है,
तो हमें तो एलिमेंट चाहिए, तो कोई ना कोई एलिमेंट हमें इनपुट करना होगा, ठीक है। तो एक्स हम इनपुट देंगे लाजमी, ठीक है। तो हम लोग कोई भी मैपिंग अगर हमें गिवन हो तो उसको अगर हम लोगों ने सॉल्व करना हो तो हमारे पास कोई ना कोई उसको अप्लाई करना हो तो कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए जिसपे हम लोगों को मैपिंग अप्लाई करनी है। तो हम लोगों ने एक एक्स एलिमेंट ले लिया, ठीक है, एक्स को एज इनपुट ले लिया हम लोगों ने, और अब हम लोग ये जो मैपिंग है ये एक्स पे अप्लाई करेंगे। तो हम लोगों ने मैपिंग क्या पढ़ी थी, जो हमारे पास यहाँ पे गिवन मैपिंग है ये हम लोगों ने देखी थी ना, फाई ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू जी एक्स, यानी कि एक्स लाजमी होना चाहिए इसमें, तभी मैपिंग अप्लाई होगी। फाई ऑफ जी अप्लाई हो रही है एक्स पे, तो ये हमारे पास हो गई जी एक्स। तो इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे ये मैपिंग अप्लाई करते हैं, यानी कि पहले हम लोगों ने एक्स इनपुट दे दिया, ठीक है, अगर हम ये मैपिंग अप्लाई करें इस पे, सॉरी यहाँ पे, इसके बाद जो स्टेप है वो हमारे पास ये है कि हम लोगों के पास ये होल में है ना इन्वर्स, तो अगर हम इसको ओपन करके सिर्फ एलिमेंट पे यानी कि जी टू इन्वर्स पे दे दें, ये मेरे पास ऐसे है फाई ऑफ जी टू इन्वर्स, यानी कि ये इसके पावर में आ रहा है नीचे। तो अगर हम लोग सिर्फ एलिमेंट पे इन्वर्स दे दें तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो मैंने सेकेंड स्टेप में ब्रैकेट खोल के इसको ऐसे लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये वाली मैपिंग अप्लाई करेंगे सिर्फ इस पे, ठीक है ना, फाइव ऑफ जी टू इन्वर्स, और एक्स पे मैपिंग अप्लाई करेंगे। तो हमारी मैपिंग हमें क्या बता रही है कि फाइव ऑफ जी एक्स इक्वल टू जी एक्स, तो फाइव ऑफ जी इन्वर्स एक्स हमारे पास क्या, जी टू इन्वर्स एक्स क्या हो जाएगी, जी टू इन्वर्स एक्स, ठीक है, ये मैपिंग अप्लाई हो गई है और ये ऐसे ही आ गया। अब अगर हम लोग इन पे मैपिंग अप्लाई करें, सॉरी जी पे मैपिंग अप्लाई करें जी वन पे, तो जी वन पे मैपिंग कैसे अप्लाई होगी, जी वन इंटू जी टू इन्वर्स एक्स, तो ये हमारे पास ये मैपिंग अप्लाई होके आ गई है। तो हम लोगों ने सब ग्रुप टेस्ट हमारे पास क्या था कि अगर हम लोग ए और बी इन्वर्स बिलोंग्स टू फाई ऑफ जी, ठीक है, तो बाय क्लियर ला क्लियर ला हमें क्या बताता है, ग्रुप के हम दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो वो हमारे पास बिलोंग करते हैं कैपिटल उसी ग्रुप से या सब ग्रुप से। तो इसका मतलब है कि फाई जी वन और फाई जी टू इन्वर्स एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल फाई ऑफ जी, ठीक है, यानी कि इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लीकेशन कराएं, ये दोनों इसी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास ये बिलोंग करेंगे कैपिटल फाई ऑफ जी से। तो इसका मतलब है कि फाई जी वन और फाई जी टू का इन्वर्स जो है ये बिलोंग करता है कैपिटल फाई जी से। तो ये सब ग्रुप टेस्ट हमारा जो है ये कम्प्लीट हो गया है। इसका मतलब है कि जो फाई कैपिटल फाई ऑफ जी है ये सब ग्रुप है हमारे पास एस ऑफ जी का, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकेंड स्टेप भी प्रूफ हो गया है। अब जो हमारा लास्ट स्टेप है और थर्ड स्टेप, हमने क्या करना है कि हमने जो सब ग्रुप लिया था उसको हमने सब ग्रुप प्रूफ कर दिया है। अब हम लोगों ने क्या प्रूफ करना है कि ये आइसोमॉर्फिक है उस ग्रुप के, ठीक है। टू प्रूव हमने क्या करना है, जी इज़ आइसोमॉर्फिक टू कैपिटल फाई ऑफ जी, जो ग्रुप है जी आइसोमॉर्फिक है उस सब ग्रुप के, ठीक है। तो आइसोमॉर्फिज्म में हमने क्या प्रूफ करना होता है कि वो बाइजेक्टिव है और वो होमोमॉर्फिज्म है। तो बाइजेक्टिव के लिए हम लोगों को क्या प्रूफ करना होता है, वन वन और ओन टू। तो हम लोग सबसे पहले तो एक मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं। मैपिंग हमारे पास क्या होगी, साय, ठीक है। हम लोगों ने मैपिंग क्या ली है, साय मैपिंग ली है। यहाँ पे डिफाइन करने के लिए हमने एक मैपिंग ले ली साय, और ये अप्लाई होगी जी से कैपिटल फाइव जी पे, ठीक है। तो ये जब अप्लाई होगी तो हमारे पास किस टाइप की कैसी मैपिंग आएगी, फाइव ऑफ जी, साय ऑफ जी इक्वल्स टू फाइव जी, ठीक है। इस तरह के हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे, साय जी के एलिमेंट्स किस तरह के होंगे, फाइव जी के, क्योंकि मैपिंग इस पे अप्लाई हो रही है फाइव जी पे, इसका मतलब है कि साय जी के मैप एलिमेंट्स होंगे फाइव जी। अब हम स्टार्ट करते हैं, बाइजेक्टिव मीन्स वन वन एंड ऑन टू। तो हम लोग सबसे पहले बाइजेक्टिव के लिए साय को प्रूव करेंगे कि ये जो हमारे मैपिंग इस पे अप्लाई की है ये हमारे पास वन वन है। तो मैपिंग कैसे अप्लाई करेंगे, हम लोग दो प्री इमेज इमेजेस ले लेंगे और इमेजेस को हम लोग इक्वल प्रूव कर देंगे, ठीक है। वन वन क्या होता है, प्री इमेजेस को इक्वल ले लिया और इमेजेस को इक्वल प्रूव कर दिया। तो साय जी वन इक्वल्स टू साय जी टू, ये हम लोगों ने दो एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है। और जी वन और जी टू बिलोंग्स करते हैं हमारे पास जी से। तो हम लोगों ने ऊपर क्या पढ़ा कि साय जी के एलिमेंट्स किस फॉर्म के होंगे, फाय जी के। तो हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं फाय जी वन इक्वल्स टू फाय जी टू। तो अब हमारे पास वही बात आ गई कि मैपिंग तब तक अप्लाई नहीं होगी जब तक उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा जिस पे हम लोग मैपिंग अप्लाई करें, ठीक है। तो ये मैपिंग हम लोग अप्लाई करेंगे एक्स पे, हम लोगों ने इनपुट ले दे दिया एक्स, ठीक है। तो एक्स हमारे पास दोनों तरफ हम लोगों ने इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद ये मैप हमारे पास क्या है, फाय जी वन, हमारे पास शुरू में जो हमने मैपिंग पढ़ी थी वो क्या थी, हमारे पास फाय जी इक्वल्स टू जी,
जी एक्स, ठीक है ना, ये हमने पढ़ी थी। तो इसका मतलब है कि ये इक्वल हो सकता है, या मैपिंग अगर हम अप्लाई करें तो हमारे पास जी वन एक्स हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया जी टू एक्स। जो हमने स्टार्टिंग में मैपिंग डिफाइन की थी वो मैंने यहाँ पे अप्लाई की है। उसके बाद हमारे पास एक्स एक्स से कैंसिल बाय लेफ्ट कैंसिलेशन ला, तो हमारे पास क्या बच गया जी वन इक्वल्स टू जी टू। तो ये हमारे पास हमने प्री इमेजेस इक्वल ली और इमेजेस को इक्वल प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब है कि ये वन वन है। अब हमने साय को ऑन टू प्रूव करना है। ऑन टू के लिए क्या प्रूव करना होता है कि हर इमेज के पीछे कोई ना कोई प्री इमेज होना चाहिए। तो सिंस फॉर ईच फाइव जी बिलोंग्स टू कैपिटल फाइव जी, एक फाइव जी हमने लिया जो बिलोंग करता है कैपिटल फाइव जी, देयर एग्जिस्ट जी बिलोंग्स टू जी सच डैट, यानी कि हम लोगों ने वही वाली मैपिंग जो ऊपर डिफाइन की थी वही ले ली। ये हमारे पास क्या है ऑन टू, क्योंकि हर जी के पीछे कोई ना कोई जी मौजूद है, यानी कि हर इमेज के पीछे कोई ना कोई प्री इमेज मौजूद है, जी का कोई ना कोई प्री इमेज मौजूद है यहाँ पे मैपिंग में। इसका मतलब है कि ये ऑन टू भी है, हैंड साय इज बाइजेक्टिव मैपिंग। तो ये हमारे पास बाइजेक्टिव भी प्रूव हो गया, वन वन प्रूव हो गया, ऑन टू प्रूव हो गया, तो हमारे पास बाइजेक्टिव प्रूव हो गया। अब हमने क्या प्रूव करना है कि साय इज होमोमोर्फिज्म। हमने प्रूव करना है कि साय इज होमोमोर्फिज्म। होमोमोर्फिज्म के लिए हमने क्या प्रूव करना होता है, साय ए बी इक्वल्स टू साय ए डॉट साय बी, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, यानी कि अब हम ये वाली साइड ले लेंगे और इसको प्रूव करेंगे कि ये इसके इक्वल आएगी। तो हम लोगों ने ले लिया साय जी वन डॉट जी टू इक्वल्स टू, ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, हमने यहाँ ऊपर क्या साय जी इक्वल है फाइव जी के, तो साय जी वन जी टू इक्वल होगा फाइव जी वन जी टू के। अब हम इसको अगेन इनपुट देंगे क्योंकि मैपिंग इनपुट पे अप्लाई होगी, तो फाइव जी वन जी टू एक्स पे जब अप्लाई होगी, तो मैपिंग जो हमने शुरू में डिफाइन की थी फाइव जी एक्स इक्वल होता है जी एक्स के, तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा इक्वल जी वन जी टू एक्स के, जी वन जी टू एक्स के इक्वल हो गई, ठीक है। अगेन मैपिंग फॉर्म में अगर हम इसको लेके आएँ, इसको अगर हम अगेन मैपिंग फॉर्म में लेके आएँ अलग अलग, सॉरी अगेन मैपिंग फॉर्म में आएगा, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा फाइव जी वन इंटू जी एक्स, ठीक है। अगर हम इस पे इन अंदर मैपिंग अप्लाई करें दोबारा से, तो हमारे पास ये क्योंकि फाइव जी वन फाइव जी टू इंटू एक्स, तो इनपुट तो हमने तब तक गिना था जब मैपिंग अप्लाई हो गया। अब हम लोगों ने प्रूव करना है था कि फाइव जी वन फाइव जी टू के इक्वल है, सॉरी फाइव साय जी वन जी टू इक्वल है फाइव जी वन जी टू के, तो हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया। मैपिंग तब तक होती है, एलिमेंट तब तक हम होता है जब तक मैपिंग अप्लाई हो रही होती है। अब हमने मैपिंग अप्लाई करना छोड़ दी ना, यानी कि यहाँ पे भी मैपिंग अप्लाई करनी थी इसलिए एक्स ले लिया, यहाँ पे भी करनी थी यहाँ पे भी, अब यहाँ आगे हमने मैपिंग अप्लाई नहीं करनी, तो हमने एक्स को यहीं पे छोड़ दिया, तो हमारे पास ये इक्वल हो गया, यानी कि साय जो है ये हमारे पास होमोमोर्फिज्म भी। तो प्रूव हो गया कि साय जी वन जी टू इक्वल्स टू साय जी वन डॉट साय जी टू, वहाँ पे मैंने पीछे फाइव जी टू की जगह साय जी वन जी टू लिखा, हमने मैपिंग यही डिफाइन की थी, ठीक है। दिस इम्प्लाइज डैट साय इज होमोमोर्फिज्म, ये डिफाइन कर रहा है कि साय होमोमोर्फिज्म है, हैंड साय इज आइसोमोर्फिज्म बिटवीन जी एंड कैपिटल फाइव जी, यानी कि साय जो हमने मैपिंग डिफाइन की थी जी और कैपिटल फाइव जी के दरमियान, वो होमोमोर्फिज्म प्रूव हो गई है, क्योंकि वो बाइजेक्टिव भी प्रूव हो गई है और होमोमोर्फिज्म भी, तो ये आइसोमोर्फिज्म है और G is isomorphic to capital phi G. Thus, phi is a monomorphism between G and S of G. Capital phi G is subgroup of size SG. Therefore, G can be embedded on SG. ठीक है ना, ये हम लोगों ने क्या थ्योरम था हमारे पास, कालिस थ्योरम की क्या थी हमारे पास स्टेटमेंट, कि जो G है वो एम्बेड हो रहा है उसके सबग्रुप में, ठीक है ना, सॉरी S of G में। जी कैन बी कोई ना कोई ग्रुप जो होता है वो अपने बाइजेक्टिव मैपिंग के ग्रुप में इम्बेड होता है, तो इसका मतलब है कि जी कैन बी इम्बेडेड ऑन एस ऑफ जी, यानी कि इसके बाइजेक्टिव मैपिंग वाले ग्रुप में इम्बेड होगा। तो ये हमारे पास कार्य स्त्रीम का प्रूफ हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।